सबसे पहली बात जो जैसा आपने सुना भी कन्हैया कुमार को तो ऐसे पहले ही हम लोगों ने तय कर दिया था यहाँ की राज्यकाल का। आज बजाबता केंद्रीय सचिव मंडल का घोषणा हो गया कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से हमारे विधिवत प्रत्याशी होंगे। आज ईमेल पर अभी आया केंद्रीय सचिव मंडल केंद्रीय कार्यकारिणी का बजाबता फैसला, कन्हैया विल फाइट फ्रॉम बेगूसराय, ये हमारे पार्टी का फैसला है। दूसरी बात हम लोग ये तय किए कि पूरे बिहार के अंदर जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन को मदद करें, टू डिफीट एनडीए हम सपोर्ट करेंगे महागठबंधन। तीसरी बात जो अभी हम लोगों ने तय किया कि उजियारपुर में सीपीएम को और आरा में माले को हम अभी तत्काल समर्थन देंगे, दोनों जगह उजियारपुर में सीपीएम और आरा में माले को हम समर्थन देंगे। आप कहेंगे माले का और तो और विचार हम लोग पीछे करेंगे, लेकिन अभी तत्काल माले को हम आरा में समर्थन दे रहे हैं और उजियारपुर में सीपीएम को समर्थन दे रहे हैं। बिहार के अंदर और भी कुछ सीटों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, एक खगड़िया सीट एक मोटा मोटी समझ बनी है चुनाव लड़ने का, खगड़िया लोकसभा, लेकिन उम्मीदवार का तय कल सचिव मंडल की दिल्ली में बैठक है, उसमें विचार किया जाएगा कौन उम्मीदवार होगा, तब जानकारी मिलेगी। दूसरा मोतिहारी और मधुबनी पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, जो केंद्रीय सचिव मंडल को हम लोगों ने रेफर कर दिया कि वहाँ भी चुनाव यहाँ की समझ है कि लड़ना चाहिए, लेकिन ये हमारी केंद्रीय पार्टी तय करेगी कि लड़ना चाहिए कि हम लोग यहाँ से रेफर कर दिए कि मोतिहारी मधुबनी में भी लड़ना चाहिए। ये हम लोगों की मोटा मोटी समझ पार्टी की आज जो हमारी बैठक थी, और पूरी ताकत को बेगूसराय सीट जीतने के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए, वहाँ पर पूरी ताकत लगानी चाहिए। और आप जानते ही हैं कन्हैया, जैसा आपने सुना भी कन्हैया तो सिंबल है मोदी के खिलाफ जो लड़ रहा है पिछले 3 वर्षों से, इसलिए आज के फैसला जो आज हमारी पार्टी का हुआ है बहुत ही अच्छी बात है, और हम पूरी ताकत लगा करके हम कन्हैया को जिताएंगे बेगूसराय से, ये आप लोगों के सामने हम एक अपील भी है, हम अपील करना चाहते हैं सबों से कि कन्हैया को वोट दो, कन्हैया को वोट दिलाओ और कन्हैया को नोट भी दो, आर्थिक मदद, आर्थिक नोट बना, आर्थिक अपील कर रहे हैं कि आप दीजिए, पढ़ें आर्थिक मदद। रविंद्र जी, आप पूरे बिहार में कितनी जगह से लड़ेंगे इसकी घोषणा तो करिए। अभी तो मैंने तो कहा सो नहीं सुने, बेगूसराय डिक्लेयर हो गया बजाबता, आपको लगता दूसरा खगड़िया, खगड़िया में हम लोगों ने तय किया लड़ने का, लेकिन उम्मीदवार का तय करेगा केंद्रीय सचिव मंडल कल बैठक का दिल्ली में, तब तय होगा। तीसरा और चौथा मधुबनी और मोतिहारी सीट पर भी हम लोग विचार किए, लेकिन ये केंद्रीय सचिव मंडल को रेफर कर दिए, ये तय करेंगे कि वहां लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये विचाराधीन है। दीपक जिस ढंग से बिखरा है, सीट लड़ेंगे उसमें आपको लगता है अभी इतने सीट पर विचार हुआ, दीपक जिस ढंग से बिखरा है बिहार महागठबंधन ने कैसे लड़ेंगे मोदी खिलाफ, महागठबंधन ने तो अपने गठबंधन से आपको बाहर कर दिया है, तो आप उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं बाकी जगहों पर उसने आपके कोई सपोर्ट मांगा? आपने भी सुना हमारी पार्टी कांग्रेस का फैसला है, 15 का फैसला है, अभी लास्ट ईयर फैसला किया कि हम मोदी को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, एकजुट तो है ही नहीं। मोदी को हटाने के लिए हमने फैसला किया है कि जहां हम नहीं लड़ रहे हैं वहां महागठबंधन के उम्मीदवार को मदद। आपको महागठबंधन सपोर्ट कर रहा है? वो करने के लिए हम करेंगे। कन्हैया टुडे ही कैंडिडेट ही नॉट द स्पोक्समैन ऑफ द पार्टी, वही आर रिप्रेजेंट दी पार्टी, कन्हैया रिप्रेजेंट टुमारो। एक सवाल कन्हैया से है, उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा था कि जब बेगूसराय से उम्मीदवार लड़ेंगे तो वो महागठबंधन से इसलिए साथ चाहते हैं ताकि बीजेपी को हरा सके, लेकिन बीजेपी ने वहां से खुद का अपना कैंडिडेट उतार दिया है और महागठबंधन ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, तो अब अपना वोट कैसे वो कटने से रोकेंगे? इसके बावजूद भी हम जीतेंगे बेगूसराय, कैसे रोकिए? अब इलेक्शन टेक्निक्स कैन नॉट बी डिस्कस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं 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 दीजिए ना, 90 के दशक के बाद बेगूसराय सीट पर सीपीआई उसी समय जीती
है जब राजद ने उसको समर्थन दिया। मैं गलत बात को आप कैसे नहीं ये गलत है। 1980 में किसी दल से तालमेल नहीं था। कॉमर सिंह नारायण सिंह जीता है बढ़िया था। 90 के बाद एक एक करके यदि बोले तो जवाब दिया जा सकता है। कहा कि महागठबंधन को खगड़िया बेगूसराय आरा इन सीटों के अलावा आप महागठबंधन को समर्थन करेंगे। महागठबंधन से आपने सीपीआई के लिए बेगूसराय में समर्थन मांगा था, उसने आपको बाहर कर दिया, तो अब इस एक तरफा प्यार का क्या मतलब है? That's why you must understand. We are more wise. Though they are rejecting our candidature. But we are not rejecting against the BJP forces. It is politics. We are giving respect. And they should be given respect. We are responsible persons. We are responsible persons. Though we are not getting the seat, we are not that we are going to defeat the Gathbandhan. We are going to defeat BJP. So let the secular forces... So secular forces should think over. No, it is not correct. It is not correct. What you are saying, it is not correct. What is that? What do you say? We will win now. No problem. We will win now. This is a challenge. You can take it granted. You are saying that you guys are supporting Mahagathbandhan, but Mahagathbandhan is not supporting you guys at Begusarai seat. What is the logic? Though they are not supporting us, but we are going to support other places, defeat the BJP. But at Begusarai seat in particular, Kanhaiya is going to fight with RJD. You are having a candidate from RJD and yes. You are fighting straight yes. Forward with RJD. We fight. Yes. We fight in Begusarai. Is it a friendly and Mr. Narayan, what is the logic? You must understand our wiseness. Though they are opposing us, we are going to support them. That means they should raise. Are you not feeling isolated in Bihar when you just demanded only one seat from Begusarai, but Grand Alliance did not even bother to consider your request for even a single seat? It was reflection of how Grand Alliance is giving less importance to such. They may not consider us, but people are considering us. We know how to get it win. Sir, people are supporting us. My friend said it is a one-sided love. मैं बताना चाह रही हूँ नॉट वन साइड लव मे बी मे बी तेजस्वी मे नॉट बी लविंग अस बट पीपल आर लविंग अस बट पीपल आर लविंग अस दैट्स एनफ बेगूसराय में भी तो उनका कैंडिडेट है आरजेडी का मैं वी आर फाइटिंग विद आरजेडी व्हाट इज इट आप उनको सपोर्ट करेंगे कन्हैया के लिए तो ये नेशनल प्रेस्टीज की बात हो गया ही इज द फर्स्ट जेन्युइन हु इज गेटिंग ए टिकट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क आरजेडी ये टिकट फ्रॉम फॉर लोकसभा तो इनके लिए कन्हैया के लिए प्रेस्टीज इशू हो गया वहां से जीतना तो आप बताइए आई रिक्वेस्ट यू प्लीज क्वेश्चन दिस टू आरजेडी एंड तेजस्वी।